मदन दिलावर एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इस बार उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया है और ये बयान विमान के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। दिलावर का कहना है कि हम अब तक जो पढ़ते हुए आए हैं उसके अनुसार राइटर बंधुओं ने विमान का आविष्कार किया था, मगर ये गलत जानकारी है। विमान के आविष्कार राइटर्स बंधुओं ने नहीं बल्कि भारतीय वैज्ञानिक ने किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये कहीं नहीं लिखा है कि स्कूल के वक्त ही बालाजी की पूजा की जाए या नमाज पढ़ी जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको हम अच्छे से लागू करेंगे और इसके लिए एक कमेटी बना रहे हैं, जो जो उसमें जिस स्टेज के हिसाब से दिया हुआ है, किस स्टेज पर इतना करना है, स्टेज पर इतना करना है, उसका अक्सर से लागू करने के लिए एक कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी के सुझावों के आधार पर, सलाह के आधार पर उस काम को करेंगे। अनुभव तरीके से बनाएंगे कैसे करना है। वैसे ही 2020 से ही लागू जानते ही था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन कांग्रेस के निकम्मे पन के कारण से इस नई शिक्षा नीति को लागू नहीं कर पाए। हम इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। जरूरी नहीं है सारी बातें पाठ्यक्रम में शामिल की जाए, क्योंकि पाठ्यक्रम की एक सीमा है, परंतु जो वास्तविकता है वो जनता को बताना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैंने आम जनता को बताने की कोशिश की है कि जो विमान का आविष्कार है ये राइटर बंधु के नाम पर लिखा गया है, जबकि त्रिपटे नाम के वैज्ञानिक ने बंबई में हवाई जहाज को उसके पहले ही उड़ा के दिखा दिया था। दिल्ली के आईटीओ पर मोदी का परिवार नाम से पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। वहीं भ्रष्टाचारी गठबंधन लालू फारूक अब्दुल्ला सोनिया करुणानिधि पवार बादल और मुलायम के बच्चों के लिए है। मोदी जी देश के बच्चों के लिए हैं। ये पोस्टर दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने लगवाई है। लालू यादव के बयान के बाद कल भाजपा नेताओं ने बायो में मोदी का परिवार लिखा है। जहां एक और विपक्ष ने मोदी के परिवार पर हमला किया, वहीं बीजेपी ने इसी हमले का जवाब देते हुए एक बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है। इस समय दिल्ली के आईटीओ पर देखिए एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में साफ तौर से लिखा गया है कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। ये पोस्टर फिलहाल दिल्ली बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, लेकिन साफ तौर से आप तस्वीरों में देखिए कि भ्रष्टाचारी गठबंधन के रूप में लालू के बच्चों के लिए, सोनिया के बच्चों के लिए, पवार के बच्चों के लिए ये तमाम कटाक्ष किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, उसी हमले का जवाब फिलहाल बीजेपी ने भी दिया है कि जिस तरह इस प्रकार के पोस्टर न केवल आईटीओ पे लगाए गए हैं बल्कि जगह जगह दिल्ली में लगाए गए हैं, जहां पर मोदी जी को देश का परिवार बताते हुए ये पोस्टर लगाया गया है। हालांकि विपक्ष ने भले ही मोदी पर हमला किया हो, उसके पीछे की वजह यह है कि आने वाला लोकसभा चुनाव, जिससे कहीं ना कहीं मोदी पर सीधे वार करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि विश्व के पटल पर ही सराहनीय तरीके से देखी जाती है, लेकिन अब बीजेपी भी इसी पूरे सवाल को कटाक्ष के तौर पर एक बड़े पोस्टर में तब्दील करके इसको हर जगह पर लगा चुकी है। आईटीओ पर ही ये पोस्टर आपको देखने को मिलेगा। आईटीओ में अगर आपको दिखाएं तो दूसरी तरफ भी आप तस्वीरों में देखिए, वहां पर भी इसी तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश फिलहाल बीजेपी ने की है। लेकिन ये पोस्टर जवाब है विपक्ष के लिए, जो सीधे तौर पर ये मानते थे कि प्रधानमंत्री के परिवार पर हमला करके कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव को साधने की कोशिश की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता फिलहाल कटाक्ष पर कहीं ना कहीं बेशक उस पूरे मामले में शामिल नहीं है। भले ही विपक्ष कटाक्ष कितना कर दे, लेकिन प्रधानमंत्री के जो प्रबल दावेदारी है, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, वो फिलहाल किसी से छुपी नहीं है। और वजह यही है कि ये पोस्टर उसका जवाब है। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर के तलावड़ा गांव में